मध्य प्रदेश के माचलपुर नगर परिषद अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा अपने घर से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी बाइक से आ रहे दो अज्ञात युवकों ने पोलखेड़ा चौराहे पर उनके साथ मारपीट की। वर्मा ने भागकर स्वयं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैद कर बचाया। दोनों युवाओं लात घूसों से मारते हुए वर्मा पर पीएम आवास नहीं मिलने का आरोप लगा रहे थे। नगर परिषद अध्यक्ष वर्मा ने थाना माचलपुर में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं घर से बस स्टैंड पर आ रहा था तो हमारे मोहल्ले के या मुन्ना भाई घर के पास में दो ही लड़के रुके हुए थे, शराब में थे वो। तो उन्होंने मुझे रोक के मेरे हाथ पकड़े तो मैं वहाँ नहीं रुक पाया, क्योंकि मालूम था कि लड़ाई झगड़ा करेंगे मेरे साथ। उसके बाद मैं गाड़ी लेके यहाँ पोलखेड़ा चौराहे पर आ गया, मेरे पीछे पीछे गाड़ी भगाई उन्होंने और यहाँ आके फिर मारपीट करने लग गए। कौन कौन थे? नाम नहीं पता मुझे अभी, वो अज्ञात है। दो लड़के थे वो, तो आपसी रंजिश है? कोई रंजिश नहीं मेरे उनसे। अभी करीब आधा घंटा पहले नगर पंचायत के अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा जी थाने पे आए थे। इन्होंने बताया कि वो अपने घर से आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे बातचीत की कि भाई आपने हमें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं कराया है। इस बात को लेकर के उनका किसी से वाद विवाद हो गया और हाथ मुक्कों के साथ युवा व्यक्ति की मारपीट की, ऐसी सूचना उन्होंने हमारे पास दी। सर अभी कोई भी संदेह आपको? नहीं, संदेह तो क्या, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन अध्यक्ष साहब से हमारी बात हुई, हमने पूछताछ की है तो वो किसी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति थे, और मेडिकल करवा दिया गया है। जैसे भी आई रिपोर्ट होती है उस हिसाब से कार्रवाई। कितने लोग थे सर? दो का बताया हमने। अब आगे क्या कार्रवाई की जाए? भी करवाते हैं दो लोगों के खिलाफ, अगर पहचान में आते हैं ठीक है, नहीं तो अज्ञात के खिलाफ करवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।